अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज 23 जून है, बरोज़ जुम्मा और 2023, और कल 22 जून अखीर गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि मैं दिन और रात एक तरह की गर्मी रही थी। बहुत मुश्किल से कल का दिन गुजरा। आज तो फिर भी माशाल्लाह कुछ हवा जो है ना वो क्या कहते हैं चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मौसम बेहतर है, कल की निस्बत प्यारा है माशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल हूँ कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह 1K सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट अनकरीब एक दो दिन में होने वाले हैं। और माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया आप सबका, बंडल ऑफ थैंक्स। और मैं इस दिन के लिए तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं जी, 1000 सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से हुए हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज देखते हैं मैंने क्या कुछ करना है। तो आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। तो अब मैं जाने लगा हूँ साथ वाले गाँव में। तो असल में वहाँ कुछ दोस्त हैं, चूँकि कुर्बानी की ईद आने वाली है, तो दोस्त कह रहे थे हमारे पास एक जानवर है, तो कहते उसमें जो है ना हम उसको ख़रीदना चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलें अभी ईद के भी कुछ 4-5 दिन रह गए हैं, तो चले मैंने बोला उनसे फ़ाइनल कर लूँ क्या वो करते हैं, क्या वो कहते हैं, तो उनके पास चलने लगा हूँ। तो ठीक है, आज फिर जो है ना गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और हवा भी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। असल में जून बहुत ज़्यादा तप रहा है इस वक्त। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैं इधर छोटा सा एक डेरा है यहाँ पर स्टे किया थोड़ा सा, और उधर साथ ही अब्बू जान जो है ना वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो मैं उनको कॉल करने लगा था। इस भैंसे को, ये भी छोटा है, मैं अब्बू से कह रहा था कि ये थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा देखते हैं कोई जानवर, हम एक और देख के। वो भी मुझे पसंद नहीं आया यार, ये भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और टाइम लगना है। जी दोस्तों, अभी सिर्फ 9 बजे हैं और 9 बजे गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और मैं अब पहुंच चुका हूं घर और गर्मी इंजॉय कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि लाइट भी नहीं है और लाइट ना होने की वजह से भी, लेकिन मुझे लग रहा है लाइट आ चुकी है, अभी अभी आई है। तो जानवर भी छाँव में बैठे हुए हैं इधर, ये देखें जी, अब तकरीबन 1:15 बज चुका है, 1:15-20 है, और मैं अब जाने लगा हूँ रेडी होकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज जुम्मतुल मुबारक है, इसलिए अब हम निकलने लगे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। जुम्मा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गांव है जहाँ हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं। असल में हम छोटे से गाँव में रहते हैं ना, यहाँ कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, चूँकि आबादी बहुत थोड़ी है, इसलिए हम जुम्मा पढ़ने के लिए फिर जाते हैं दूर। तो अब जुम्मा पढ़ने के लिए निकलने लगे हैं, ज़्यादा है तो अब हम बाहर निकलने लगे हैं अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला जुम्मा पढ़ने के लिए। तो बाइक लेके छोटा जो है वो आने लगा है, मैंने सोचा चले मैं उतनी देर पैदल चलता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैंने सोचा चले उतनी देर में पैदल चलता हूँ और पीछे से छोटा भाई जो है ना वो आ जाता है थोड़ी देर में बाइक लेके। तो अभी मैं जाने लगा हूँ पैदल, दोपहर का टाइम है ना, तो इस वजह से धूप बहुत ज़्यादा है, ये देखें सन्नाटा भी। मैंने साथ सन ग्लासेस ले लिए, चूँकि फिर ऐसे करके देखना पड़ता है, और जब ग्लासेस लगा लेते हैं फिर बंदा इजी होकर देखता है। ये देखें दोस्त हार जा रहे हैं, ऐसा ऐसा निकल रहे हैं लोग जुम्मा पढ़ने के लिए गाँव से, और हम भी इंशाल्लाह बस निकलने लगे हैं यहाँ से। पहले बुज़ुर्ग जो थे ना वो साइकिल पर या पैदल जाया करते थे जुम्मा पढ़ने के लिए, और मैं ख़ुद साइकिल पर जाता रहा हूँ, लेकिन 2010 के बाद कभी भी साइकिल पे नहीं गया, फिर मोटरसाइकिल चल गया, फिर बाइक पे ही मोस्टली सफ़र करते हैं, वरना साइकिल पे ही सफ़र था मोस्टली, उससे पहले पैदल। लेकिन जब से बाइक ली है 2010 से, उसके बाद अभी तक जो है ना वो बाइक पे ही जाते हैं मोस्टली। तो यहाँ से ये देखिए रास्ता जा रहा है गांव से दूर मस्जिद की तरफ, मस्जिद यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पास ही टाउन है, मतलब आबादी ज़्यादा है वहाँ पर। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग इसलिए आ गए थे, अपनी ज़मीनें थी इधर, ये जो खेत हैं
तो अपने ही थे माशाल्लाह दादा अबू लोग, फिर रोज़ आया जाया करते थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने इधर ही आके ना वो अपनी रिहाइश ले आए। उन्होंने बोला रोज़ आना जाना ये ख़त्म हो जाए, तो यहीं रहना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर तब से फिर यहाँ एक गांव की शक्ल इख्तियार कर गया। पहले सिर्फ यहाँ दो या तीन घर थे सिर्फ, आज माशाल्लाह पूरा एक गांव बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो दूर जो है ना ट्रक आए हुए हैं डंपर, आई थिंक सैलेज के वास्ते। ये जो है ना इस मकई का सैलेज बनेगा आज, और ये सारा का सारा डंपर में लोड होकर चला जाए ना जो है मुसलसल आई जा रहा है, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ तो मैं बता रहा था ये जो खेत है ना इसका नाम दादा बुल ने रखा हुआ था, आई थिंक इसका नाम कोठी और इसका नाम नौ, इसको नौ कहते हैं। उससे परे जो है ना उसके वो छप्पड़ है, तो इस तरह ही खेतों के भी बाकायदा नाम रखे हुए हैं। तो इस तरह से फिर आबादी आई थिंक 64 के बाद यहाँ ये डेरा आबाद नमाज अदा कर ली है, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वापसी में पैदल ही से जा रहा हूँ, तो छोटा भाई तो गया बाज़ार कुछ सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैंने सोचा चले मैं पैदल चलता हूँ उतनी देर में आप लेने के लिए, तो मैं फिर पैदल निकल आया हूँ। मैंने बोला मैं चलता हूँ उतनी देर में आप आ जाएँ। तो ये देखें बाज़ार, इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से इधर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ। और बहरहाल अभी हम चले गए थे कब्रिस्तान से अब सीधे घर जा रहे हैं, तो सोचे चलें हर तरफ कुर्बानी के ही जानवर बंधे हुए हैं। ये देखें अच्छा क्या हाल है, ठीक हो? रास्ता बड़ा रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। ये देखिए घास बहुत ज़्यादा घास इस पर, कई का रास्ता शुरू हो जाता है। ज़्यादा गर्मी है यार मकई के अंदर भी, और आज इसका बनाया जा रहा सैलेज, जिसकी स्प्रे की थी ना घास की, वो देखिए मकई को भी नुकसान हुआ है। इससे जो अगली मकई है वो सब्ज़ है, बट जो साइडों पे वो कल सड़ गई है इस वजह से, स्प्रे की वजह से। तो आजकल ट्रैक्टर की बजाय डंपर चल रहे हैं साथ साथ सैलेज की मशीन के साथ साथ। पहले ट्रैक्टर वाला था लेकिन अब डंपर है। तो मैं इधर देख रहा था ये देखें, जी हाँ इधर देखें सैलेज बनाया जा रहा है, वो मशीन चल रही है। ये देखें